हेलो नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो ये जानना चाहते हैं कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या खाना चाहिए। दोस्तों, खाने में दो तरह की खाद्य सामग्री होती है। पहला नेचुरल होता है जिसको भगवान ने बनाया है, और दूसरा आर्टिफिशियल होता है जिसको मशीन ने मतलब कि इंसान ने बनाया है। आर्टिफिशियल सामान का साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं शरीर को जरूर उठाना पड़ता है, इसका साइड इफेक्ट होता है। आर्टिफिशियल सामान जैसे कि टॉफी, कुरकुरे, बिस्किट, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, ये आर्टिफिशियल सामान खाद्य पदार्थ है जिसका नुकसान शरीर को उठाना पड़ता है। नेचुरल खाद्य पदार्थ में साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर नेचुरल खाद्य पदार्थ में केमिकल मिलाया जाता है तभी शरीर को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए कि हमें नेचुरल खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। दूसरा सवाल ये है हमें कब खाना चाहिए। दोस्तों, हमें सुबह 7 से 8 के बीच में या 7 से 8 बजे के लगभग खा लेना चाहिए या नाश्ता करना चाहिए। अगर आपको भूख है तो आप घर पे खाना भी खा सकते हैं, या सुबह में फ्रूट्स, फल और मेवा भी खा सकते हैं। और हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। पेट में घुस के कभी नहीं खाना चाहिए, इससे शरीर पे ज़्यादा लोड आता है और शरीर की आयु कम हो जाती है। इसलिए हर पेट थोड़ा कम खाना चाहिए, इससे शरीर की आयु बढ़ जाती है और शरीर पे ज़्यादा लोड नहीं आता है। आप चाहे तो हर 2 घंटे या 3 घंटे पे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खा सकते हैं। दोपहर में बहुत भी खाना खाना चाहिए। रात को भी 6 बजे के आसपास, मतलब कि शाम को 6 या 7 बजे के बीच में खाना खा लेना चाहिए और हल्का खाना खाना चाहिए, जिससे कि जल्दी से नींद आ जाती है और फिर आदमी सुबह जल्दी जाग जाता है।